चमकीली तुम क्या कर रही हो? कहीं नहीं जा रही है आप, हम आपको जाने ही नहीं देंगे। बड़े आए लंदन जाने वाले, हमारा बस चले ना तो आपकी टिकट भी फाड़ दे। चमकीली डोंट, चुप रहिए आप। खुशी क्या कर रही हो तुम? आप हमारी बात नहीं मानेंगी? लावण्या जी, चमकीली प्लीज छोड़िए आप। नो, छोड़िए चमकीली प्लीज। हमने कहा छोड़िए। आई सेड नो। छोड़िए लावण्या जी, कहा छोड़िए। चमकीली छोड़ो ना। चुप। चाहिए ना लावण्या जी, किसके लिए रुकूं मैं अब चमकीली? पर लावण्या जी, हुआ क्या है? आप कुछ बता क्यों नहीं रही है? फिर वो पूरी दुनिया से लड़के आपको अपने घर में क्यों लेकर आए? सगाई के लिए तैयार क्यों हुए? और फिर सगाई से पहले ही उन्होंने आपके साथ गलत किया लावण्या जी। शायद लेकिन मैं ठीक हूं चमकीली। आई हैव टू गो। रो तो ऐसी रही हो जैसे हम कभी मिलेंगे नहीं। तुम्हारी शादी में तो आऊंगी ना, भी तो मिलना है तुम्हारे श्याम जी से। पता नहीं किस इडियट से तुम शादी करने वाली हो। आप नहीं आएंगी? नहीं चमकीली, तुम मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाओगी? आप नहीं आएंगी क्योंकि हमारी शादी होगी नहीं। वो क्या कहती है आप? सेम पिंच। ये क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ? हम ये कह रहे, तुम्हारी रिंग, तो तुम्हारी भी एंगेजमेंट? चमकीली कब, कैसे, क्यों? आई मीन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जैसे आपने हमें बताया, आप तो हमें अभी भी नहीं बता रही हो कि हुआ क्या है। I'm really very sorry चमकीली। तो दुनिया खत्म थोड़ी हुई लावण्या जी, आपकी और हमारी सगाई टूट गई है बस ना। हमें पूरा विश्वास है कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए और हमारे लिए बनाए। हम सच कह रहे हैं, देखना आएगा कोई राजकुमार घोड़ी चढ़ के। बस अब हमें यह देखना है कि हमें अपना राजकुमार पहले मिलता है या आपको। और अगर हमें अपना राजकुमार पहले मिलाना तो आप हमारी शादी में जरूर आएंगी। आएंगी ना खुशी? टॉक टू मी। पता कब से फोन मिला रहा हूं मैं, कितना परेशान हो गया था मैं। तुम ठीक हो? कहां हो तुम? बहुत बुरा लगता मुझे, पर मैं कुछ भी कभी जानकर नहीं करता खुशी। मैं बस ऐसा ही हूं शायद। इट्स लावण्या। मैं नहीं आ पाऊंगी।
जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ खुशी. थैंक यू वेरी मच मुझे फैमिली के वैल्यू सिखाने के लिए, प्यार से लोगों का दिल कैसे जीतते वो सिखाने के लिए. ये बात तो आप पहले भी समझती थी लावण्या जी, हमने बस आपको उस प्यार का एहसास दिलाया. चमकीली तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा. ये सर भाई देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है. ऐसे किसी रिलेशनशिप को इस तरह तोड़ना ये तो ठीक नहीं है ना. और ऐसा क्या हुआ है छोटे कि वो अंदर पैकिंग कर रही है और ना तुम उन्हें रोकने जा रहे हो और ना हमें रोकने दे रहे. आनो बिठवा, आपकी नानी और हम सब बहुत खुश थे इस बात से कि आप दोनों की एक साथ शादी हुई रही है. ये सब सुनिए, आप ही छोटे को समझाइए ना, शायद मान जाए. हाँ अब हम क्या कहें रानी साहिबा, साले साहब की अपनी जिंदगी है, अगर इन्हें यही ठीक लगता है तो. लेकिन आपने ही तो लावण्या जी को. हमारे कुछ कहने या करने से क्या होगा, अब अगर उन्हें लगता है कि वो लावण्या जी के साथ खुश नहीं रह सकते तो साथ में रहने का क्या फायदा. लावण्या ने इस घर के लिए इतना कुछ किया है, इसीलिए उसे धोखे में रखना ठीक नहीं है. इस रिश्ते के बारे में मैं खुद ही श्योर नहीं हूं, उसे इतनी बड़ी कमिटमेंट कैसे दे सकता हूं. इसीलिए मैंने उसे सच बता दिया. तुम्हें एएसआर का ख्याल रखना होगा. सिर्फ तुम ही एक हो जो उसे वो सब कह पाती हो जो वो नहीं सुनना चाहते. आई मीन एएसआर को क्या चाहिए ये उन्हें खुद ही नहीं पता, पर तुम तो समझदार हो ना खुशी. जी आज नहीं तो कल तुम समझ जाओगी, चाहे ये सर समझे या ना समझे. छोटे एक बार लावण्या जी से बात तो करो. नहीं छोटे, इस शादी तोड़ के हम आपको आपन जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे. आप अभी जाके मिस कर. उसकी कोई जरूरत नहीं है नानी जी, ये डिसीजन मैंने और ये सर ने मिल के लिया. आप उन्हें इस बात के लिए अकेले ब्लेम मत कीजिए.
बाय लक्ष्मी। लावण्या जी, हम आपको कहीं जाने नहीं दे रहे। आप दोनों में से हमें कोई बता क्यों नहीं रहा है कि हुआ क्या है? इट्स ओके दी, कुछ रिश्ते मेंट भी नहीं होते। किसी की कोई गलती नहीं होती। कोई कसूर नहीं होता, बस वो हो नहीं पाते। एंड वैसे भी अगर मेरी शादी नहीं हुई यहाँ पे तो क्या हुआ? आप लोग अब भी मेरी फैमिली हो, मेरे अपने।